A very good morning, students. Welcome to TSN Senior Secondary School. And today we will read the chapter 10. It is the second part of your chapter, and it is the page number of 79. सो जो चैप्टर 10 था उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि एक बॉय था लक्की, उसका बर्थडे था. उसके बर्थडे पर उसका जो उसके जो मम्मी पापा थे उन्होंने उनको एज अ प्रेजेंट में साइकिल गिफ्ट किया था, और जिसे पाकर वो बहुत खुश था. अब वो अपने साइकिल पर घूमना चाहता था, पर उसकी मदर ने उसको क्या कहा कि तुम सबसे पहले रेडी हो जाओ और फिर ब्रेकफास्ट करो और फिर साइकिल चलाना, तुम्हें कोई मना ना करेगा. अब वो इतना खुश था कि उसने नहाने में और रेडी होने में बिल्कुल टाइम नहीं लगाया. फटाफट से एक ही मिनट में वो तैयार हो गया और बाहर आया तो उसके पापा ने बोला कि दो मिनट रुको, मुझे और तुम्हारी मम्मी को कुछ बातें करनी है तुमसे. अब उसके दिमाग में चल रहा था कि मुझे पापा जो है मुझे रूल और रेगुलेशन बताएंगे, और मैं कोई छोटा बच्चा थोड़ा ना हो जो मुझे हमेशा समझाते रहते हैं, और आज जो मेरा बर्थडे है तब भी ये मुझे नहीं छोड़ेंगे, अपने प्रिंसिपल्स बताएंगे, रूल्स बताएंगे, ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए. तो वो अपने दिमाग में सोच रहा था. तो उसके पापा ने उसे ये समझाया कि बेटा साइकिल तुम चलाओ, जितना तुम्हें फ़न करना है वो करो. साइकिल जो है तुम स्कूल से लेकर घर के बीच में चलाओगे, और लेकिन जब भी साइकिल को बाहर लेकर जाओगे तो अपने मम्मी से परमिशन लेकर जाओगे और घर पे बता के जाओगे कि तुम कहाँ जा रहे हो, ठीक है, किससे मिलने जा रहे हो. और जब भी तुम साइकिल चलाओगे तो रोड के साइड तरफ जो है वो साइकिल चलाओगे. और उसके पिताजी ने कहा कि तुमको हाईवे पर नहीं जाना है. उसने सब बातों में हाँ कर दिया, यस शॉ कर दिया उसने कि हाँ. उसने अपने पिताजी को कह दिया कि मैं आपकी सारी बातें मानूंगा, आप प्लीज़ मुझे साइकिल ले जाने दो. अब जो है उसके पापा तो काम पर चले गए, मम्मी घर का काम करने लग गई. थोड़ी देर बाद उसकी जो मम्मी थी वो पड़ोसियों के यहाँ पर चली गई, तो उसने सोचा कि मुझे जो है साइकिल चलानी चाहिए. साइकिल चलाने वो स्ट्रीट में गया, गली में साइकिल चला रहा था घर के आसपास. लेकिन उसके दिमाग में सोचा कि मेरा जो फ्रेंड है मुझे अजय, उससे मिलने जाना है, और वो हाईवे के पार रहता था. जबकि उसके फादर ने उसको मना किया था कि हाईवे को क्रॉस नहीं करना है, लेकिन फिर भी उसने कहा कि किसी को घर पे क्या पता लगेगा, क्योंकि मम्मी तो पड़ोसियों के गई भी है. अब वो उनको बोलकर भी नहीं निकला कि मैं साइकिल लेकर जा रहा हूँ, तो जितनी देर में तो मैं जाकर भी आ जाऊँगा, क्योंकि जो उनके घर से हाईवे था वो ज़्यादा दूर नहीं था. लेकिन हाईवे तो हाईवे था, और एक बच्चों को हाईवे पर साइकिल लेकर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी दुर्घटना हो सकती है. वो माना नहीं, वो अपने फ्रेंड के घर गया. जाते वक्त तो वो उसने हाईवे क्रॉस कर लिया दोनों तरफ ध्यान देकर, यदि सुरक्षा से गया तो वो अपने दोस्त के घर पहुंचकर उसने वहां पर जाकर उसको आवाज़ दी, अजय अजय. उसका फ्रेंड जो था वो उसकी आवाज़ सुनकर बाहर आ गया, और उसने उसको हैप्पी बर्थडे विश किया. दोनों फ्रेंड्स ने अपना टाइम स्पेंड किया, साइकिल चलाई, और एक घंटे बाद तो जो फ्रेंड की मम्मा थी उन्होंने उनको नाश्ता दिया, चॉकलेट्स दी और बिस्किट्स वगैरह दिए. उन्होंने दोनों इन्जॉय किया. अब अजय उसने लक्की ने कहा मुझे मेरे घर जाना है, क्योंकि मम्मा पड़ोसियों के यहाँ से आ गई होगी और फिर वो टेंशन करेगी. तो अब वो वहाँ अजय के घर से रवाना हो गया. अब अजय के घर से रवाना हो गया, उसके बाद क्या होता है वो हम पढ़ेंगे अपने इस पेज नंबर 79 से, कि अब इस चैप्टर में आगे क्या होता है. आफ्टर एन आवर अजय मदर्स गैव देम सम बिस्किट्स एंड चॉकलेट्स टू ईट, कि जब दोनों ने एक साथ एक घंटा बिताया तो अजय की मम्मा ने उन दोनों दोस्तों को चॉकलेट्स और बिस्किट खाने को दिए. थैंक यू आंटी, सैड लक्की. लक्की ने आंटी को यानी कि उसके फ्रेंड की मदर को थैंक यू बोला. नाउ आई हैड मस्ट रश बैक, माय मदर मस्ट हैव कैम बैक फ्रॉम द हाउस नेक्स्ट डोर, ही थॉट. वेल आई हैड बेटर गो होम नाउ. अब वो बोलता है कि मुझे अपने घर जाना होगा, कि मम्मी पड़ोसियों के घर से आ गई होगी. ही सेड टू हिज फ्रेंड एंड हैड टूवर्ड्स द हाईवे, और वो अपने फ्रेंड को ये कहकर हाईवे की तरफ निकल जाता है. लक्की वॉज हैविंग फन एंड दिस वे हिज बर्थडे. लक्की को अपने बर्थडे पर इस तरीके से जब वो समय बिता रहा था अपने दोस्त के साथ और साइकिल चलाकर, तो बहुत मज़ा आ रहा था. ग्लूमी थॉट्स बिगेन टू फिल हिज माइंड, और वो बहुत खुश हो रहा था. खुश अब उसका जो माइंड था वो बहुत ज़्यादा खुश था. नाउ ही वॉज इन हरी टू गेट बैक होम बिफोर समवन डिस्कवर हिज वॉज गोइंग. अब वो अपने घर पर जल्दी पहुंचना चाहता था, क्योंकि वो घर पर किसी को बता के नहीं आया था कि वो हाईवे के उस पार अपने दोस्त के जा रहा है. ठीक, घर से चुपके आया था वो. एज ही रोड ऑन टू द हाईवे ही ग्लैंस क्विकली हिज वे एंड दैट्स वे इजी इनफ ही इज थॉट. आई विल जस्ट डैश अक्रॉस एंड नो वन विल एवर नो आई वॉज ऑन द अदर साइड ऑफ द हाईवे. तो उसने बोला कि जिस तरह से मैं हाईवे को क्रॉस करके आया था उसी तरह से मैं इस हाईवे को क्रॉस कर लूँगा और जल्दी अपने घर पहुँच जाऊँगा. वैन ही हैड रीच्ड द सेंटर ऑफ द रोड, जब वो हाईवे क्रॉस कर रहा था और रोड के सेंटर में पहुँचा, देन ही सॉ अ कार
हैडिंग स्ट्रेट एट हिम, तो उसने देखा कि एक कार जो उसकी तरफ आ रही थी। ही टर्न फास्ट ट्राइंग टू स्ट्रीट द साइकिल इन द अदर डायरेक्शन, उसने उस कार से अपने आप को बचाने के लिए साइकिल को अदर डायरेक्शन में मोड़ा। बट अ हग ट्रक वॉज स्पीडिंग टूवर्स हिम फ्रॉम दैट साइड ऑफ द हाईवे, लेकिन उस तरफ जिस तरफ उसने उसको मोड़ा उधर से हाईवे पर एक भयंकर तेज स्पीड में एक ट्रक आ रहा था। ही लुक बैक एंड मेट द आईज ऑफ द लेडी ऑन द पैसेंजर साइड ऑफ द कार। He turned fast trying to straight the cycle in the other direction, but a half truck was speeding towards them from the highway. तो उसने देखा कि एक ट्रक आ रहा है। He looked back and met the eyes of lady on the passenger side of the car. Then he could see the driver trying to miss him. He made a sharp turn to the left, which made a car go off the road and into the ditch, speed down. अब उसने ट्रक से अपने आप को बचाने के लिए अपनी साइकिल को मुड़ा, तो वो एक कार से जा भिड़ी और उसकी आंखें जो वो एक लेडी से जा मिली जो कि वहाँ पर पीछे वाली सीट पर बैठी हुई थी। द लकी थ्रो इज बाइक टू द साइड ऑफ द रोड एंड रेज द टू ब्लॉक्स होम। मदर वॉज देयर बट लकी वॉज क्राइंग सो हार्ड ही कुड नॉट टेल हर व्हाट द ट्रबल वॉज। अब जो लकी की साइकिल थी वो रोड के उस पार पड़ी हुई थी और लकी अपनी साइकिल बहुत बुरी तरह से डर गया था। वो अपनी साइकिल को वहीं छोड़कर अपने घर की तरफ भाग गया और घर पर जोर से रोते हुए भागते हुए गया और उसने अपनी मम्मी को भी कुछ नहीं बताया। मदर वॉज देयर बट लकी वॉज क्राइंग सो हार्ड ही कुड नॉट टेल हर व्हाट द ट्रबल वॉज। उसकी मम्मी घर आ चुकी थी पर लकी ने उन्हें नहीं बताया कि वो किस परेशानी में है। ही रैन टू हिज बेडरूम, किक द डोर शट एंड रोल्ड ऑन हिज बेड सोबिंग। अब वो अपने बेडरूम में पहुँच लिया, उसने अपने दरवाजे को बंद कर लिया और बहुत जोर जोर से बेड पर सोकर रोने लगा। द ट्रक ड्राइवर गॉट आउट ऑफ हिज ट्रक एंड रन बैक टू सी इफ ही कुड सेव एनीवन। ट्रक ड्राइवर ने देखा कि वो जो कार है उसमें सब कुछ सेफ है कि नहीं है, मतलब सेफ है कि नहीं है। द पीपल इनसाइड द कार वर नॉट हार्म, सो ही हेल्प देम क्रॉल आउट ऑफ द कार विंडोज। अब जो जिस कार से लकी टकराया था तो वो जो कार है उसके अंदर से लोगों को बाहर निकाला गया, उसमें से किसी को भी चोट नहीं लगी थी। देयर वर थ्री पीपल, द ड्राइवर द वाइफ एंड द सन। उसमें तीन लोग थे, ड्राइवर वाइफ और सन। द सन हैड बीन अस्लीप व्हेन द एक्सीडेंट टुक प्लेस एंड ही वाज नाउ वेरी फ्रेटेंड। बच्चा जो है वो सो रहा था जब एक्सीडेंट हुआ और लेकिन एक्सीडेंट से वो बच्चा जाग गया और बहुत डरा हुआ था। जस्ट देन लकीज फादर केम बैक, लकी के पिताजी वापस लौटे। ही सॉ लकी न्यू साइकिल बाय द रोड, सो ही रश ओवर द पीपल वेयर्स द लकी। उन्होंने देखा कि लकी की जो साइकिल है वो रोड पर पड़ी हुई है और वहाँ पर लोगों की भीड़ जमा हुई है। पिताजी को चिंता हुई। वेयर इज़ द लकी, ही शाउटेड। वो जोर से चिल्लाया उसकी साइकिल को देखकर, लकी कहाँ है? वेयर इज़ द बॉय हु वॉज ऑन द साइकिल, वो बच्चा जो कि साइकिल पर था वो कहाँ है? मतलब सड़क पे से पिताजी आ रहे हैं, उन्होंने देखा कि रोड पर उनके बच्चे की साइकिल पड़ी हुई है, तो देख कर पिताजी बहुत शौक हो गए और वो जोर से चिल्लाए, वेयर इज़ द लकी, लकी कहाँ है? लोगों की भीड़ को देखकर वो चिल्लाया कि वो बच्चा जो कि साइकिल पर था वो कहाँ है? ही रैन अवे सैड द ट्रक ड्राइवर। ट्रक ड्राइवर से उन्होंने पूछा। ही एक्सप्लेन एवरीथिंग टू लकीज फादर। ट्रक ड्राइवर ने सारी बात लकी के पिताजी को बताया। इट्स वॉज वेरी हॉट इन द सन, उस समय बहुत तेज धूप निकल रही थी, बहुत गर्मी थी। द पीपल ऑफ द कार हैड टू वेट फॉर अ पुलिस मैन एंड क्रेन टू कम टू मेक अ रिपोर्ट एंड कैम देयर कार आउट ऑफ द डीच। अब जो वो जो कार थी वो गड्ढे में गिर गई थी, तो लोग उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे और पुलिस का वेट कर रहे थे कि किस उस एक्सीडेंट की रिपोर्ट लिखवाएं। अविंस फादर आस्क द वुमेन एंड द लिटिल बॉय टू कम टू हाउस वेयर इट्स वुड बी कूलर। अविंस के पिताजी ने उस औरत को और बच्चे को जो है वो घर पर ले जाने को कहा क्योंकि बहुत गर्मी थी, तो घर पर वो ठंडक में बैठ जाए। लकी सॉ द पीपल कमिंग इनटू द हाउस, ही स्लोली केम इनटू द लिविंग रूम एंड सेड आई एम सॉरी। लकी ने देखा कि वो घर वह लोग उसके घर पर आए हैं, तो वो चुपचाप से अपने कमरे से बाहर निकला और लिविंग रूम में आकर उसने उसको सॉरी कहा। इट्स वॉज माई फॉल्ट, और लकी ने कहा कि मेरी गलती थी इसलिए सब कुछ हुआ है। बिकॉज आई डिसऑबेड एंड वेंट अक्रॉस द हाईवे, क्योंकि मैंने अपने पिताजी की आज्ञा का पालन नहीं किया था, उन्होंने मुझे मना किया था कि हाईवे पर नहीं जाना है, पर मैं चला गया था। आई मेड यू हैव एन एक्सीडेंट, और मेरी वजह से आपका एक्सीडेंट हुआ है। कैन यू प्लीज़ फॉरगिव मी, क्या आप मुझे क्षमा कर देंगे? आई हैव लर्न अ बिग लेसन टूडे, आज मैंने एक बहुत बड़ा सबक सीखा है। मतलब लकी
बेडरूम में था, रो रहा था, लेकिन जब उसे पता लगा कि वो लोग उसी के घर में आकर बैठे हैं तो वो लिविंग रूम में आया और उसने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया और उनसे सॉरी बोला कि मेरी वजह से आपका एक्सीडेंट हुआ है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए और मैंने बहुत बड़ी गलती की कि मैंने अपने पापा का कहना नहीं माना, आज मुझे ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक मिला है। दे स्माइल एट द लकी एंड सैड वी फॉरगिव यू एंड आई एम श्योर यू विल नेवर फॉरगेट दिस लेसन। और जो वहाँ पे लोग आए थे जिनका कि एक्सीडेंट हुआ था, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हमें तुम्हें माफ़ कर दिया है, लेकिन बस ये बात है कि तुम ज़िंदगी में इस लेसन को कभी भी मत भुलाना। ठीक है, तो ये चैप्टर था बच्चों। इस चैप्टर में यही बात बताई गई है कि हमें जो भी अपने पेरेंट्स समझाते हैं उनका कहना मानना चाहिए, क्योंकि वो हमारी भलाई के लिए कहते हैं, वो एक लाइफ से गुजरे हैं, उन्हें अनुभव है, उन्हें पता है कि कल को क्या होने वाला है, इसलिए वो आपको पहले ही सचेत करते हैं। वो हमें बुरे लगते हैं, कड़वे लगते हैं, लेकिन वो जो कहते हैं वो बिल्कुल सही कहते हैं। तो इसलिए प्लीज़ हमेशा अपने पेरेंट्स का ओबे कीजिए और जैसा वह कहें वैसा कहना मानिए, तो आप ज़िंदगी में ज़रूर से तरक्की करेंगे और आपके साथ हमेशा अच्छा होगा। लेकिन यदि आप डिसओबे करेंगे तो जैसा लकी के साथ हुआ है वैसा ही होगा। तो इस चैप्टर से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने पेरेंट्स की आज्ञा का पालन करना चाहिए, उनका कहना मानना चाहिए। सो अपना चैप्टर ख़त्म हो गया है, इसके दो वीडियो बने हैं, अच्छे से देखिए एंड डू दिस वर्क इन योर कॉपी, ओके, एंड सबमिट इट ऑन टाइम। नाउ योर चैप्टर इज़ कम्प्लीट। थैंक यू सो मच।